हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, देखेंगे आपके पर्सन के राइट नाउ के आपके लिए क्या थॉट है, ठीक है। व्हाट दे फील अबाउट यू, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या है उनके मन में जो ऐसा है जो आपको बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, ये भी पॉसिबल है। व्यूवर्स की रीडिंग 100% भी रेजोनेट करती है, समटाइम ये भी पॉसिबल है कि कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं सभी राशियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, किसी एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए रीडिंग को देखें। अगर आपसे रेजोनेट हो तो क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति को लेके आप डील कर रहे हो, जिस व्यक्ति से आपका रिश्ता है या रहा है, ठीक है। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, उस व्यक्ति के आपके लिए थॉट क्या है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लेस कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, उनका नाम मनीमन दोहराइए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव अ प्रिंस एनर्जी। सबसे पहला कार्ड आया आपके लिए। ओके, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। पहले मैं कार्ड्स निकाल ले रही हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आपके पर्सन की राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है, काफी प्रोमिनेंट राशि है यहाँ पे, ठीक है। ओके, बॉटम से क्या रहा, नंबर 5। ओके, आपके पर्सन की राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। जेमिनी राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट राशि हो सकती है किसी के लिए, एंड इसके अलावा हमारे पास राशि है तुला राशि, जो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, राइट। ओके व्यूअर्स, तो देखो सबसे पहले आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनकी राशियाँ तो मैंने आपको बता दी, नंबर्स में आपको और बता देती हूँ। नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 9, 8 नंबर काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, नंबर 2, 4, 14 ये नंबर व्यूअर्स यहाँ पे हैं। ऑलराइट, तो ये 5 नंबर की एनर्जी भी गाइज यहाँ पे है, तो ये नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। नंबर 1 की एनर्जी भी है, नंबर 19 की एनर्जी भी है, ठीक है। सबसे पहले व्यूवर्स ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साथ में आपके रिलेशनशिप में नो डाउट, ठीक है, आपका ये प्यार है, ये पर्सन लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, जो रिप्रेजेंट करती है कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति है ये भी आपसे प्यार करते हैं, ये भी अगर आज को, आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो आज को, आज भी ये पर्सन मतलब। तो व्यूवर्स अगर मैं सबसे पहले इस व्यक्ति की एनर्जीज की बात करूँ तो सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि क्योंकि कार्ड हमारे पास एक लवर का आया है यहाँ पर, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस व्यक्ति की नज़रों में आज भी आप उनके लवर हो, ठीक है। वो आज भी आपको जैसा देखते हैं, जैसा आपके लिए फील करते हैं, दैट इज़ एनर्जी ऑफ लव। कहीं ना कहीं आज भी आप उस व्यक्ति के दिल में रहते हो, दिमाग में रहते हो, और वो व्यक्ति आज भी आपको अपनी लाइफ में प्यार की नज़रों से ही देखते हैं, ठीक है। यानी कि आपने उन्हें कभी प्यार किया था, आप दोनों के बीच में रिश्ता प्यार का रहा था, अब रहा था, थी क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन के बीच में ना सब चीज़ें पहले बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया, आप वो भी आपसे बहुत प्यार कर रहे थे, आप भी उनसे बहुत प्यार कर रहे थे, रिश्ता आपका बहुत स्मूथली चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आज ऐसी स्थिति आके खड़ी हो गई जहाँ पर इस व्यक्ति के सामने चुनाव की स्थिति आ गई है। मतलब ये व्यक्ति या तो उनको किसी एक को चुनना है, या ये जो स्थितियाँ इस समय चल रही हैं, जो आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन चल रहे हैं, ये उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अप एंड डाउन की एनर्जी गाइस यहाँ पे इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैं देख रही हूँ टावर के ऊपर ही सारी की सारी एनर्जी आके ठहर जाती है, सारा फोकस टावर के ऊपर आके रुक जाता है।
तो ये है कि इस समय आपके कनेक्शन में टावर आ गया है, और इस टावर ने इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं सारे के सारे एक्शंस को, जो इनके प्लान्स थे, सब उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये पर्सन ने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह से इस कनेक्शन की वजह से फंस जाएंगे, ठीक है। हाँ, इस कनेक्शन की वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन फंस गए, क्योंकि जब इस कनेक्शन को बचाने की बारी आ रही है ना, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की बात आ रही है, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है, तभी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये इस कनेक्शन को जाने दें तो सारी बातें बहुत इजीली इनकी लाइफ से रिजॉल्व हो जाएंगी, इनकी लाइफ से सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। पर सारा का सारा टेंशन ही यहाँ पर ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। उनको इसी बात की चिंता है कि आप उनके लाइफ से दूर ना हो जाओ, आपके साथ में रिश्ता उनका ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स हुआ क्या है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच का जो रिश्ता है ना, ये रिवील हो गया है, ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिवील हो गया है। मे बी इनकी फैमिली के सामने आ गया है, मे बी ये बताना ही नहीं चाहते थे आपके पर्सन, ठीक है। मतलब दो तरह के सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होते हैं। सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं आपके साथ में, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है। आपके पर्सन का जो रिश्ता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है, और वो चीज़ें सामने आ गई। ये भी दो तरह से, फिर अगेन मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगी, वो ये व्यूवर्स की देखो, सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपके पर्सन के आपके साथ में जो रिश्ते रहे हैं, ठीक है, ये इनके परिवार वालों को या इनके फैमिली को पता चल गए हैं, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच मची हुई नज़र आ रही है, बहुत आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और इस समय आपके पर्सन आपके साथ में इसलिए ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी लाइफ में जो इस समय हौच पौच है, उथल पुथल मची हुई है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ ये इस समय ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि ये उनकी हर एक बात मान रहे हैं, ठीक है। उनकी हर एक बात मानना इनकी या तो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे इन्होंने उन लोगों के तरफ एक तरह से ज़्यादा झुकाव दिखा रहे हैं इस समय, कि ये उनकी हर एक बात को मान रहे हैं, ठीक है, ये वो ही करेंगे इन फ्यूचर भी जैसा वो कहेंगे, या फिर जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में हो गई है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली वाले इनके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं, और आपके पर्सन इन फ्यूचर कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो उसको रोकने के लिए ये आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर बना के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न यहाँ पे नज़र आ रहा है, या तो ये आपके पर्सन जो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा केयर दिखा रहे हैं कि उनके दिल में ऑलरेडी केयर है उनके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ये पर्सन अपनी जानते हैं कि यार मतलब समवेयर दे फील लाइक, मैं ऑल्सो कहूँगी कि हाँ इनसे गलती हुई है इस कनेक्शन को लेकर, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ये उस चीज़ को एडमिट भी कर रहे हैं कि हाँ इनसे गलती हुई है, और इस गलती को सुधारने की ऐसी यहाँ पर कोशिश करते हैं आपके पर्सन दिखा रहे हैं। फैमिली के लिए डिवोटेड है, फैमिली की बात मान रहे हैं, ठीक है, चाहे वो उनकी मैरिटल फैमिली हो, चाहे वो उनकी फैमिली वैसे वाली हो। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये उस व्यक्ति की बात मान रहे हैं, उन लोगों की बात मान रहे हैं, और उनके लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको ये फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं इनके फैमिली ने इनको जैसे अल्टीमेटम दे दिया है, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा। और व्यूवर्स यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं देखो, इनको अपनी भी मान मर्यादा इज्जत का कहीं ना कहीं ख्याल है आपके पर्सन को, क्योंकि इनको ट्रिगर किया जा रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ मतलब फीलिंग लाइक कि अब मैं क्या करूँ, मैं फंस गया, मैं ट्रैप हो गया, मैं अकेला पड़ गया या अकेली पड़ गई, अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूँ। तो ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर यानी कि वो जो आग है, वो आग की जो लपटे इनके घर में जल रही हैं, वो आप तक ना पहुंचे, ठीक है। तो दैट्स वाई दे प्रोटेक्टिंग यू। मैं आप ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो बिखर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ओवरऑल जो है ना, ये पर्सन खुद अकेले हैं, इनको कोई संभालने वाला नहीं है, इनको कोई समझाने वाला नहीं है, इनको कोई सलाह देने वाला नहीं है। इनका दिमाग इस समय जैसा काम कर रहा है आपके पर्सन का, ये वैसा ही यहाँ पे काम करते मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में टावर आया है, टावर की एनर्जी का यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है, जिसने मतलब आपके रिश्ते को ना अच्छे खासे चलते हुए रिश्ते को यहाँ पे कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा के रख दी है। और व्यूवर्स यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कुछ लोगों के लिए कि यस, आपकी आपके कनेक्शन में हो सकता है आपके पर्सन का ही कोई कनेक्शन आपके सामने आया है, ठीक है। आपके सामने आना ये कहीं ना कहीं बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा है आपके लिए भी, कि यार ये पर्सन मेरे साथ में ऐसा कर सकता है। मे भी हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ में मैरिड हो, आपके साथ में कनेक्शन इनका था, और इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर आपके सामने आया है। तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं ये भी देख पा रही हूँ, इस व्यक्ति को अब इस समय ये चिंता है कि मैं करूँ तो करूँ,
करूँ क्या, ठीक है, मैं मतलब आपके सामने सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है, मैं यहाँ पर ये बताऊँ बोलना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है ना, ये इन्होंने इस चीज़ को एडमिट इसलिए नहीं किया आपके सामने क्योंकि इनको पता था अगर वो एडमिट करते हैं तो ऑलरेडी कनेक्शन आपके साथ में ख़राब होगा, तो इन्होंने चीज़ों को, बातों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया आपके पर्सन ने, ठीक है, आपसे बातें छुपाना, आपसे झूठ बोलना, क्योंकि वो इस कनेक्शन को इस लेवल तक लेके नहीं जाना चाहते थे, मतलब इस सिचुएशन में क्रिएट नहीं करना चाहते थे, खड़ा नहीं करना चाहते थे, तो इनको रियलाइजेशन तो था आपके पर्सन को कि यार ये गलती कर रहे हैं, इनसे गलती हुई है, इन्होंने थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में बनाई है तो ये गलती तो कर बैठे, लेकिन वो एडमिट इसीलिए नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट इसीलिए नहीं कर रहे थे बिकॉज इनके मन में डर तो था, ठीक है, क्योंकि आपके सामने वो चीज़ें आएंगी तो आप मतलब उसको बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर दोगे, लड़ाई झगड़े करोगे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, तो दैट्स व्हाई दे मैनिपुलेटिंग यू, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते चले गए। और आज व्यूअर्स आपके पर्सन अपने ही झूठ में मुझे यहाँ पर ट्रैप नज़र आ रहे हैं, और ये भी सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पर है कि अगर आपके कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी है ये स्टिल उसको भी मैनिपुलेट करने की या फिर कंट्रोल करने की, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चीज़ें दोनों तरफ से अगर मैं देखूँ, जो दोनों सिनेरियो मेरे सामने आ रहे हैं, दोनों तरफ ये पर्सन हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड नहीं हुआ है कहीं पे भी, इवन दो टावर आया है लेकिन तो भी चीज़ें यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि सॉर्ट आउट कर लो जितना हो सके, जैसा हो सके, जो बोलना पड़े, जो करना पड़े, उस सिचुएशन को हैंडल कर लो, क्योंकि अगर इन्होंने हैंडल नहीं किया तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बिकट हो सकती है। दैट्स व्हाई व्यूअर्स आपके पर्सन की जो एनर्जीज मिल रही है ना वो यही है कि इस समय आपके पर्सन बात करना आपसे पोस्टपोन कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे वो किसी तरह का क्लेरिफिकेशन आपको भी दे रहे हैं ना तो बातें बढ़ रही हैं, ठीक है, वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं, आपको सही से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ में रिश्ते ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बात बैठ गई कि ये पर्सन ऐसा है, ये इसने ऐसा किया मेरे साथ में, तो कहीं ना कहीं हर एक इस तरह के कम्युनिकेशन को जो फर्दर और आर्ग्यूमेंट क्रिएट करें, इनको और कुछ झूठ बोलना पड़े या और कुछ इनको अपनी लाइफ में देखना पड़े, दैट्स वाई दे अवॉइडिंग यू, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स ओवरऑल मुझे आस्पेक्ट इस व्यक्ति का नज़र आ रहा है, इस व्यक्ति के सामने ऐसी सिचुएशन आ गई है, करो या मरो, तो दे ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, ये मैं खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में है, ना कि ये कुछ रिस्क लेने की एनर्जी में, तो रिस्क नहीं लेना चाहते आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें गाइस मुझे नज़र आ रही हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपसे आपके पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अवॉइडेंस है, जैसे यार इस समय थोड़ा सा मुझे स्पेस दो, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पर्सन यहाँ पे स्पेस क्रिएट करने की आपसे इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास में ना तो कोई कुछ कहने को है, ना कुछ सुनने को है, और ये सुनना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इतना सुन चुके हैं आपसे, अगर जो अदर कोई पर्सन है ना इनकी लाइफ में या फैमिली है जो भी है, वो इनको इतना ऑलरेडी सुना चुके हैं कि आपके पर्सन सुन सुन के पागल हो गए हैं, तो ये आपकी कोई और बात, इसी तरह की अगर आप कोई बात कर रहे हो, इसी तरह की अगर आप इनको कोई प्रेशर बना रहे हो, तो ये इस तरह की बातों में नहीं फंसना चाह रहे हैं अभी, तो ये चाहते कोई और स्ट्रेस हैंडल मैं नहीं करूं तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे सबसे पहले नज़र आ रही है। और देखते हैं और क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में। अगर आप किसी क्रश के लिए भी देख रहे हो ना व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी इनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल है, दैट्स व्हाई दे इग्नोरिंग यू, तो इग्नोर तो आप हो रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह से इस कनेक्शन को हो देख रहे हो, बट इनकी लाइफ में उथल पुथल इतनी बिकट है, इन्होंने खुद नहीं सोचा था, और इस समय आपके पर्सन जो इनको लग रहा है कि यार यही करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, आपके पर्सन वही कर रहे हैं, दे फॉलो देयर ओन माइंड, किसी और की एडवाइस को नहीं सुनना चाहते आपके पर्सन, उनको लग रहा है कि उनकी स्थिति को उनसे बेहतर कोई और जज कर ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, तो किसी और को क्या ही बताए, तो ये अपनी प्रॉब्लम को किसी और के साथ में शेयर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह की एनर्जीज में है। और देखते हैं और क्या है इस व्यक्ति के मन में। हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं व्यूअर्स, टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, पेज ऑफ वेंड्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, नाइट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस व्यूअर्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि चाहे आप जैसे भी हो, बट इस व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो, इस व्यक्ति की प्यार के लिए ज़रूरी, इस व्यक्ति को इस समय ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इनकी सिचुएशन को समझ लो, ठीक है, क्योंकि मे बी ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, बट दे वॉन्ट कि
आप उनको समझो, ठीक है, उनसे उनको सपोर्ट करो, उनके साथ में रिलेशनशिप को ख़राब ना करके उसको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम दो उस व्यक्ति को, ठीक है, ताकि ये अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सके और आपके साथ में जुड़ सके। डेथ की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, फिर बॉटम का कार्ड फाइव ऑफ कॉइन का भी है जो स्टिल रिप्रेजेंट कर रहा है व्यूवर्स की आपके पर्सन को इस समय पता है क्या फील हो रहा है, इनकी इनका इनका जो सपना है, जो इनकी फैमिली है वो टूटता जा रहा है, ठीक है। तो इस वक्त व्यूवर्स आपके पर्सन ऐसा ही फील करें जैसे इनके पास में कुछ बचा नहीं है, ठीक है, एक फैमिली है वो इनसे दूर होती जा रही है, अपने लोग हैं वो इनसे दूर होते जा रहे हैं, या फिर इनकी आपके साथ में अगर कनेक्शन है तो वो ख़राब होता जा रहा है। तो हर जगह ये इस पर्सन को निराशा से ही महसूस हो रही है, जैसे हर चीज़ ख़त्म ना हो जाए, इनके दिमाग में यही है थॉट क्या आ रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे अपनी इमेज को लेके भी है, राइट, कि अपनी इमेज भी इनको बचानी है। तो इसलिए व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ बदलने की कोशिश करें, परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करें आपके पर्सन, और जैसे वो हैंडल हो जाएंगी देन आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न बैक करेंगे। डेफिनेटली आपके पर्सन की किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी आपके पर्सन की दिल में आपके लिए जो प्यार है वो काफ़ी है, वो आपके प्यार को उन्होंने भुलाया नहीं है, वो जानते हैं कि आपने उनको कितना चाहा है, कितना उनको समझा है, कितना उनको सपोर्ट किया है। ये जैसे भी थे, मे बी इनको इनके फैमिली में जो प्यार नहीं मिला व्यूअर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, या फिर इनके आसपास जो लोग हैं वो इनको जितना नहीं समझ पाते, आप समझते हो, दैट्स वाई आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है, तुम मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो बिन कहे बिन, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, मेरे आसपास के लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मैं सबके बीच में तो हूँ लेकिन एक बेगाना सा फील कर रहा हूँ या बेगानी सी फील कर रही हूँ, और मुझे यहाँ पे सब चीज़ें बचानी ही होंगी, आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ रिश्ते व्यूअर्स आपके पर्सन इस समय हैंडल करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ऐसे आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देखते हैं क्या आते हैं, ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। तो इनको टाइम चाहिए व्यूअर्स, अगर मैं देखूँ ना, दिस पर्सन वांट्स योर टाइम, राइट, इनको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे वक्त दो मुझे समझाने का कहीं ना कहीं। और आपके पर्सन व्यूअर्स अगर आपको इस समय आपसे बात नहीं कर रहे ना, तो ये आपके लिए परीक्षा की घड़ी है, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी। आपके पर्सन भी जैसे आपका भी प्यार देखना चाहते हैं कि आपका प्यार इनके लिए कितना स्ट्रांग है, क्या आप इन्हें सच में प्यार भी करते हो या जस्ट एक ऊपर ऊपर का प्यार था, ये दिखावा था, क्या था, ठीक है। अगर इस समय में, इस मुश्किल समय में भी आप उनके साथ खड़े हो तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपका लव उनके लिए ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स। तो ऐसे आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे, हाँ, आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता या नहीं सकती। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन हो इस समय, तो आप ही हो व्यूअर्स। आपके पर्सन को ये सब चीज़ें पता भी हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन उनके आपके पर्सन की बढ़ी हुई है, क्योंकि कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन भी उसी से होती है जिससे आपका रिश्ता हो, जिससे आपकी उम्मीदें हों, जिससे आपका प्यार हो, ठीक है। आप किसी राह चलते से एक्सपेक्टेशन नहीं बनाओगे कि यार वो मुझे समझे, मेरे आंसुओं की कदर करे, ठीक है, या फिर मेरे प्यार को समझे, राइट। जैसे आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो ना कि यार मुझे ये पर्सन समझे, इसका प्यार, इसका सपोर्ट, इसका साथ मुझे मिले, तो वही आपके पर्सन की इस समय कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आपके पर्सन भी इस समय आपके रिश्ते को बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि टावर लवर के साथ में आ गया जो दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति को भी डर लग रहा है आपको खो देने का, इनको डर है आपको खो देने का, जो यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स हर तरह से मतलब कोशिश यही कर रहे हैं कि ये आपको कहीं खो ही ना दें, ठीक है, आप इनकी लाइफ में कैसे बने रहो, इस पर्सन की प्रायोरिटी यही है। आपके पर्सन को याद है आप दोनों कैसे मिले थे, आप दोनों के बीच में बातचीत कैसे शुरू हुई, कैसे आपका आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप हुई, ये सब चीज़ें हैं आपके पर्सन को। आपकी फ़र्स्ट डेट जैसे आप दोनों कभी मिले होंगे वो भी याद है, तो ये उन चीज़ों को भी याद कर रहे हैं। आपके पर्सन इस समय अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, तो ये मैंने बताया था आपको अवॉइड करने की एनर्जी जो यही है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो यही वजह है कि आपके पर्सन आपसे इस समय दूरियां बना रहे हैं, और वो दूरियां इनकी फैमिली की वजह से ही नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। इनको उनके सामने दिखाना यही पड़ रहा है कि हाँ ये उनकी हर एक बात मान रहे हैं, और अगर नहीं मानी तो उनको डर है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। आपके पर्सन को ये सब कुछ करना ही पड़ रहा है, यानी आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करना उनकी मजबूरी है, ना कि उनकी विश, उनकी डिज़ायर। आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, काफ़ी मेजर इन्फ्लुएंस चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे इनको बोल रहे हैं
कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुमने अगर ये किया तो ये हो जाएगा, तुमने अगर वो किया तो वो हो जाएगा। तो इनका अपना माइंड जो है व्यूअर्स, वो इनको उनको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन, मैंने बोला ना, ये आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि आप तक कोई आँच आ जाए, राइट। तो ये पर्सन की स्थिति है व्यूअर्स, अगर आपके पर्सन आपको ब्लॉक किया है ना, तो वो भी किसी के कहने पर किया है, ठीक है। जैसे ट्रिगर करे गए थे आपके पर्सन की, बस देख लेना फिर क्या होगा, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि राइट ना, आपका जो कनेक्शन है उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं। आपके पर्सन अपने अपनी तरह से चीज़ें जैसे करना चाह रहे हैं वैसे नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए आपके पर्सन कह रहे हैं जस्ट गिव मी ए स्पेस। वाई डोंट यू गिव मी स्पेस? यानी आप उनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, हो सकता है बार बार कोशिश कर रहे हो कॉल करने की, मैसेज करने की, उनसे कम्युनिकेट करने की, उनके बारे में जानने की। आपके पर्सन कह रहे हैं यार मैं इस समय इतना फंसा हुआ हूँ, इतनी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, जस्ट गिव मी स्पेस। मैं दोनों तरह से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, उधर संभालो तो उधर बिगड़ते हो, इधर संभालो तो उधर बिगड़ जाते हैं लोग, ठीक है। तो किसको संभालूं मैं, क्या करूं मैं? आपके पर्सन की यही एनर्जी है। सो दे वांट सम स्पेस फ्रॉम राइट नाउ, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, उनको आपसे स्पेस चाहिए, वो आपसे अभी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसी परिस्थितियाँ बेहतर होंगी तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, इसीलिए आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, राइट। तो यह व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को, पर्सनल लिंक बुक करवा सकते हैं फॉर मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो चार्जेबल होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।